गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सब कैसे हैं? ऐसा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने मॉर्निंग की चाय और अपनी जो अस्थमा की दवा है मैंने ले ली है, और सोचा कि आप लोगों से बातचीत भी थोड़ा कर लूँ और वीडियो भी स्टार्ट कर देती हूँ। और कल रात हम लोग बहुत लेट नाइट सोए थे क्योंकि बाबू बहुत रो रहा था इस वजह से। और आज तारीख 15 जून और टाइम हो रहे हैं आपके 8:30 हो रहे हैं, 8:30। और किचन के कुछ काम मैंने फिनिश कर दिए हैं और थोड़ा बेड वगैरह मैं क्लीन कर लेती हूँ। और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। कल कपड़ों का बहुत ज़्यादा ढेर है क्योंकि उसको फोल्ड करना ये बहुत टफ काम लगता है, मुझे ऐसा लगता है कपड़ों को फोल्ड करना, बट करना तो है ही है, तो मैं उसको भी थोड़ा करती हूँ। कुछ कपड़े भी आज आयन करने हैं, उसको भी मैं आज आयन करूँगी। और तो चलिए मैं अपना जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से फिर बात करती हूँ। ओके, हाँ, आपसे बात करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई। हाँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने जो कंटेनर है उसको मैंने साफ़ किया था वो, और उसमें कुछ चीज़ें उसमें भरनी है, तो वही मैं यहाँ कर रही हूँ। और उसके बाद किचन को थोड़ा सा क्लीन करना है। और आज मैंने थोड़ा सा फ्रिज की क्लीनिंग की, मैंने उसकी डीप क्लीनिंग आप लोगों के साथ शेयर किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। क्योंकि मैं वीकली जो होता है वो फ्रिज को अपने साफ करती हूँ जब सब्जियाँ आती हैं तो। और उसके बाद जो बास्केट है जो मेरे फ्रिज का उसको काफ़ी गंदी हो गई थी, तो मैं उसको सोचा कि अच्छी तरह से उसको धुल दूँ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो उसको धुलने के बाद अच्छी तरह से मैं आज किचन के जो ड्रॉल हैं आज मैंने उसको लिया है साफ़ करने के लिए। क्योंकि आप किचन में रहते हुए अगर किचन में कुछ ज़्यादा देर आपको खड़े रहना है, अगर कोई क्लीनिंग का पार्ट शुरू करना है तो आप ये टिप्स अपना सकते हैं और उस चीज़ को क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने किचन के जो ड्रॉल है उसको यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। और साफ़ करने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि सभी चीज़ों को आप एक जगह उतार के रख लीजिए, और उसके बाद जो पेपर आपने बिछाए हैं उसको भी हटा लीजिए, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा हैं तो दूसरा बिछा दीजिए, नहीं तो आप उसी को क्लीन करके और बिछा सकते हैं या कोई पेपर बिछा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैंने उसको भी बाद में क्लीन करूँगी, यहाँ पे मैंने उसको अच्छी तरह से ड्रॉल को पोंछ के और पेपर बिछा के और फिर डब्बों को पोंछ के मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और इस तरह से जो किचन का काम है वो काम भी होता रहेगा और ड्रॉल जो है वो भी साफ़ होते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर एक ड्रॉल साफ़ कर रहे हैं तो सारे ड्रॉल को साफ़ करिए, वन बाई वन एक दिन में एक ड्रॉल साफ़ करिए। तो इस तरह से साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपका जो टाइम है वो भी बच जाता है और एक्स्ट्रा समय आपको इसमें क्लीनिंग में नहीं देनी पड़ती है। तो देखिए मैंने मेरे सारे
मैंने एक ड्रॉल मेरे अच्छे से क्लीन हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से भी आप इस टिप्स को अपना सकते हैं। किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं शावर लेके आ गई थी और मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है और उसके बाद बैठी हूँ रूम में और सोचा कि बाल भी झाड़ लूँ और हस्बैंड से बातचीत भी हो रही थी। तो इस तरह से आप अपने किचन के जो काम हैं उस तरह इजी तरीके से क्लीन भी कर सकते हैं और आपके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा। कर लिया है और मैं शावर लेके पहले ही आ गई थी और मैंने नाश्ता भी कर लिया है और मशीन लगानी है अभी थोड़ी देर बाद मैं जब शाम को लगाऊंगी, क्योंकि जैसा आपने देखा कि मैंने आज किचन के जो ड्रॉल है वो थोड़ा सा मैंने क्लीन किया, क्योंकि जब किचन का कोई भी पार्ट अगर किचन में आप काम करते रहते हैं तो उसको जो है एक पार्ट आप डेली एक ड्रॉल काम किचन में रहते आप एक कर सकते हैं, तो इस तरह से जो होता है काम का जो ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है और वन बाय वन करके आप किचन की इस तरह से सारी क्लीनिंग कर सकते हैं और एक्स्ट्रा समय उसमें नहीं देना पड़ता है। तो अब तक के मेरे सारे काम फिनिश हो गए हैं, डस्टिंग वगैरह सारे वर्क कंप्लीट हो गए हैं और मैं आप लोगों से इवनिंग में मिलती हूँ। क्योंकि काम करते करते इतनी थकान हो जाती है कि रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है, जो हाउसवाइफ हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझती होंगी और जो भी हाउसवाइफ इस वीडियो को देख रही हैं अगर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरी अगली फीचर मेरे वीडियो की फीचर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए मैं फिर आप लोगों से फिर इवनिंग में मिलती हूँ। ओके, उसके बाद मैं शाम को ये मैंने अपना मशीन लगाया क्योंकि कपड़े बाकी थे धुले, तो कुछ देर में भी कपड़े ये धुला जाएंगे मेरे। और यहाँ पे बाबू की मेरी मस्ती चल रही है तो सोचा कि इसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। Thank you.
फिर शाम को नाश्ते में ये सूजी का हलवा बना, बहुत टेस्टी बना था। और उसके बाद जब तक हम लोगों ने ये नाश्ता वगैरह अपना हम लोगों ने किया, तब तक जो मशीन के कपड़े हैं वो कंप्लीट वॉश हो गए थे। और यहाँ पे हम लोगों ने, मैं और बहू बैठे हैं। और फिर यहाँ पे मैं बैठी हूँ कपड़ों को फोल्ड करने के लिए, और हस्बैंड छत पर से जो सब्जी वगैरह बोई हैं वो पानी वगैरह डाल के आए हैं। और यहाँ पे मैं अपनी चाय भी लेके बैठी हूँ, हस्बैंड ने चाय पहले ही ऊपर ही पी ली थी। और तो उसके बाद मेरा यहाँ दोनों काम हो जाएगा, मैं चाय भी पीती रहूँगी, जो मेरे कपड़े हैं वो भी फोल्ड होते रहेंगे। उसके बाद फिर हम लोग डिनर बनाने की तैयारी में लग गए। और ये रही हमारी सब्जी, बहुत यम्मी बनती है ये सब्जी। इसका मैंने जो रेसिपी है मैंने अपने चैनल पे नहीं डाला है, अगर आप लोग कहेंगे तो कमेंट करिएगा, मैं इसका रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ये आलू और अदौरी की सब्जी है, जो यूपी से हैं वो जानते होंगे अदौरी क्या होती है। और एक और एक सब्जी है ये, और रोटी और चावल। तो रोटी बन रहा है, चावल बन गए हैं, और उसके बाद हम लोग का डिनर वगैरह होगा। तो हम लोग का खाना पीना हो गया है, और मैंने अपनी अभी दवाई भी ले ली है, और सब कोई डिनर कर लिया है, अब सोने की तैयारी हो रही है। और ये जो वीडियो है मैंने सुबह में ही अर्ली मॉर्निंग ही इसको मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का मैंने अपना रूटीन जो है बहुत कम शेयर किया था। तो आज मैं, ये मेरा सेकंड अर्ली मॉर्निंग का है ये वीडियो। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, और कोई सजेशन हो तो फिर कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। और अब मैं, बेटी को विदा करने का टाइम आ गया है, वो अपने ससुराल जा रही है, अगले दो दिन में वो चली जाएगी। तो बहुत मिस मैं करूँगी अपने नाती को, क्योंकि मेरे साथ बहुत उसका अटैचमेंट है, और बहुत वो मेरे साथ एंजॉय करता है। बट क्या कर सकते हैं, बेटी को ज़्यादा दिन अपने घर में तो नहीं रख सकते, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो चलिए फिर मैं इस वीडियो का पे यहीं पेंड करती हूँ, और फिर मैं अगले वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ।
और जो मेरे चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मेरे वीडियो की फीचर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए, हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम एंड स्वीट मॉर्निंग। ओके, बाय बाय।